जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, अभी जो सामने आप जो है स्कूटर देख रहे हैं, ये है भाई एंटॉर्क। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि हज़ार्ड लैंप का तो ऑप्शन मिलता ही है, साथ ही साथ में अट्रैक्टिव एलईडी लाइट्स भी मिल जाती है भाई। और ये ड्यूल टोन जो कलर दिया गया है डीटी, ये देखने में काफ़ी क्लासिक लग रहा है। और भाई इसका जो रोड प्रेजेंस है वह भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटॉर्क लिखा गया है, साथ ही साथ में एक चीज़ जिसकी सबसे खास रहने वाली है, क्योंकि भाई ये है XT मॉडल। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वह एक नॉर्मल मॉडल था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मिलने वाला है XT मॉडल। जी हाँ, वो दूसरा मॉडल था। तो यहाँ पर पीछे से आप देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देगा, जहाँ पर भाई हज़ार्ड लैंप का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जा रहा है। साथ ही साथ में जो इसकी जो मेन फीचर्स है इसका मैं दिखा देता हूँ भाई, ये है इसकी डबल डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दी गई है आपको डबल डिस्प्ले, और काफ़ी सारा जैसे ABS वगैरह का जो ऑप्शन होते हैं वो भी यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही रहने वाली है कि यहाँ पर साइड में ही आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्ट का जो ऑप्शन है आपको मिलने वाला है। और गाइस, दूसरी डिस्प्ले में आपको इसमें ट्रिप वगैरह शो करेगा, टाइमिंग वगैरह शो करेगा, और भाई जो स्पीड वगैरह है, किलोमीटर्स वगैरह होते हैं, वह भी शो करने वाला है। लेफ्ट साइड में ही देखेंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएगा भाई टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन, हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, और साथ ही साथ में मिलने वाला है भाई हॉर्न का ऑप्शन। तो दोस्तों, ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया दी गई हैं। और साथ में वही राइट साइड में देखेंगे तो हज़ार्ड लैंप का जो है ऑप्शन मिल जाता है, किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ में वही इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक का जो ऑप्शन से वह मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो भाई जो मिरर है वो मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और वही सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि जो इसका एग्जॉस्ट है वह काफ़ी बढ़िया है। तो जो एग्जॉस्ट वगैरह है वह भी जो है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और इसका प्राइस वगैरह वह भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर इंजन मिल जाता है आपको 124.8 cc का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, और जो इसका जो पावर निकलती है दोस्तों 9.25 BHP की मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फुटरेस्ट वगैरह है काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ में जो ग्रिल्स वगैरह दी गई है बढ़िया है। बाहर ही आपको फ्यूल लिड का ऑप्शन मिलने वाला है। यह है लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। साथ ही साथ में भाई देखेंगे बिल्ड क्वालिटी की बात, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। ओवरऑल इसके व्हील्स आप देखेंगे तो एलॉय व्हील्स कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, बट आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। ट्यूबलेस टायर्स दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और व्हील्स वगैरह भी देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका लुक वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस दिवाली पर अगर आप कोई स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो भाई इसको इसके बारे में भी आप विचार बना सकते हैं। ओवरऑल इसका जो ड्यूल टोन कलर है वह मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ब्लैक भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको येलो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में जो ब्लूस कलर है वह भी आपको मिल जाएगा, ब्लू कलर टाइप। और यहाँ पर भाई छोटा सा एग्जॉस्ट मिल जाता है देखने में, जो कि एग्जॉस्ट तो काफ़ी बढ़िया निकालता है। तो यहाँ पर टॉर्क की बात करें तो ये जो इंजन है 10.5 Nm का टॉर्क दे देता है 5500 RPM पर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आगे भाई TVS का लोगो भी मिल जाएगा, और लाइट्स वगैरह देख सकते हैं तो यह कुछ इस तरीके की लाइट्स मिल जाती है, जो कि अभी ऑन है। तो गाइस, बात कर लेते हैं भाई इसकी कर्व वेट की, तो 118 यानी कि 118 kg का वेट मिलने वाला है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये है भाई इसके डिस्क ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिस्क ब्रेक दिए गए 220 mm का डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया है दोस्तों दिया गया है। राइडिंग रेंज मिल जाती है 243 किलोमीटर की, फ्यूल टैंक मिल जाता है 5.8 लीटर का। सीट हाइट की बात करें तो 770 mm की सीट हाइट यहाँ पर मिलने वाली है, और बुक करने के लिए भाई QR भी लगाया गया है, यहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं स्कैन करके। तो भाई ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें दी गई हैं। 125 cc में जो स्कूटर मिल रहा है वह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट मोड एंड स्पोर्ट भाई मोड जो है देखने के लिए मिल जाता है। और भाई टॉप स्पीड की बात करें तो भाई लगभग 95 किलोमीटर की जो है यहाँ पर टॉप स्पीड मिलने वाली है। ट्रांसमिशन इसका जो है ऑटोमेटिक रहता है, सिंगल सिलेंडर मिलता है, एंड बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 53/55 का जो है बोर एंड स्ट्रोक देखने के लिए मिल जाता है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ मिलते हैं, रियर में कोयल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ में मिल जाते हैं, और बूट स्पेस भी वगैरह भाई काफ़ी खास चीज़ जो है इसमें दी गई है। यहीं से जो है दोस्तों क्या करना है, अगर मान लीजिए आप इसको लेफ्ट में घुमाते हैं
तो गाइस सीट ओपन हो जाती है और ये जो है लीड ओपन हो जाती है राइट की तरफ, हल्का सा पुश करने की तरफ। तो भाई ये एक ही की से, एक ही लॉक से दोनों काम जो है आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो भाई ये चीज़ें दी गई हैं। ब्रेकिंग सिस्टम SBT है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आगे ही मिल जाता है। 12 इंच के इसमें टायर्स आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट के टायर 100x80 के हैं और जो रियर टायर हैं 110x80 के दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। बाकी सीट हाइट की बात करें तो 770 mm की मैंने बता दी है। ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात करें तो भाई जो ग्राउंड क्लीयरेंस है 155 mm का दिया गया है और ये है भाई इसका एग्जॉस्ट जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट जो है आपको, बाकी दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्पीड भी आ रही है और जो एग्जॉस्ट है वह भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ऑन रोड जो प्राइस है इसका 1,24,996 भाई रहने वाला है। तो गाइज इसकी जो लेंथ है वो है भाई 1861 mm की और जो विड्थ है इसकी 710 mm की दी गई है। हाइट की बात करें तो 1164 mm की यहाँ पर जो है हाइट मिल जाती है। एक बार एग्जॉस्ट और सुन लेते हैं इसका। तो वाकई दोस्तों जो एग्जॉस्ट है कमाल का एग्जॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो 1285 mm का मिलने वाला है व्हील बेस जो कि भाई काफ़ी बढ़िया दिया गया है। 5 साल की मिल जाती है वारंटी या 50,000 किलोमीटर जो भी पहले हो। और भाई काफ़ी सारे ऑफर्स भी आजकल कंपनी दे रही है और एक टिप्स मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। वो ये है दोस्तों, जब कभी भी आप स्कूटी स्कूटर बाइक वगैरह कुछ भी बाई करें तो भाई जो फाइनेंस आप करा रहे हैं तो फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको ROI बोलते हैं उसको एक बार रिचेक ज़रूर कराएं, ठीक है ना। एक बार ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक दो जगह भी बात करके रख सकते हैं। और हाँ, बाहर वाला कोई अगर बैंक वगैरह है उससे भी आप करा सकते हैं तो हो सकता है मे बी आपका जो ROI है वो कम हो जाए। तो भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम तो ये किया है कि फुल्ली डिजिटल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ग्रैब हैंडल की तो हमने बात की ही नहीं भाई, जो ग्रैब हैंडल है वह भी काफ़ी मजबूत दिया गया है और जो सीट्स वगैरह है वह भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई कह सकते हैं पिलियन फुटरेस्ट, पिलियन सीट्स वगैरह दी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रांडिंग की गई है सीट पर भी और काफ़ी ब्रांडेड जो है चीज़ जो है दी गई है। यानी कि ओवरऑल इसके ईच एंड एवरी वन पार्ट्स वगैरह की अगर बात करें तो सारा कुछ जो है डिटेलिंग में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बढ़िया दिया गया है और बाकी हर चीज़ को, हर पार्ट्स को जो है एक अट्रैक्टिव लुक देने की जो है कोशिश की गई है। तो भाई हैट्स ऑफ है TVS को जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और अपने प्रोडक्ट्स में नए नए बदलाव लाता रहता है। तो भाई ये जो प्रोडक्ट है आपको कैसा लगा? अगर आप दिवाली पर भाई ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदिए और मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद।